क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा, और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है, और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है, पेंशन भोगी व पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों को अपने लंबे समय से इंतजार है कि वन रैंक वन पेंशन का एडिट टेबल कब अपलोड होगा। तो सूत्रों के हिसाब से, और ये एकदम कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि वन रैंक वन पेंशन मतलब ओआरओपी, ओआरओ जीसीओ एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, यहाँ पे आपको अपना टेबल देखने को मिल सकता है 26 जनवरी से पहले। जी हाँ, आपने सही सुना, 26 जनवरी से पहले। हम ऐसा अपने आप से नहीं कह रहे, कर्नल प्रधानमन सिंह जी का हमने ट्वीट देखा और वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा था। अगर आपको मैं भी दिखाता हूँ एक मिनट, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कर्नल प्रधानमन सिंह जी ने यहाँ पे साफ साफ लिखा कि गुड न्यूज, ओआरओपी टेबल लाइकली टू बी इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ESW एक्सरिसमैन एंड वेलफेयर बिफोर रिपब्लिक डे। मतलब कि बिफोर रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी से पहले आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपका ओआरओपी टेबल अपलोड हो जाएगा पीसीडीए में, और पीसीडीए का अभी वेबसाइट काम नहीं कर रहा, और इसका मतलब यही लगाया जा रहा है कि वहां पे पीसीडीए में टेबल अपलोड की जा रही है। और आपको जैसा कि पता है कि ओआरओपी की टोटल 75 टेबल है, वन रैंक वन पेंशन टू ओआरओपी टू में टोटल 75 टेबल है। और मैं कुछ बता दूं आपको वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड न्यूज की, आपको टेबल मिलने के बाद किस्त भी जल्द मिलेगा, 15 मार्च 2023 से पहले पेंशन भोगे खाते में आएगी। तकरीबन 4 किस्तों में पीआईबी ने नोटिस डाला था कि हाफ एयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा ओआरओपी टू एरियर का, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि जनवरी के माह में आपको पहला किस्त मतलब आपकी पहली ओआरओपी का पैसा आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तमाम जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी, आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। सभी तमाम भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन भोगी को बता दें कि वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड तो मैंने बता दिया, 4 आपकी वेलफेयर की न्यूज़ है, उसमें सबसे पहले ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से इनकम सर्टिफिकेट लगा दें या डाल दें, अपलोड कर दें। कैंटीन कार पॉलिसी जल्दी से देख लें, अगर कार लेने का मन है या सोच रहे हैं तो अभी टाइम है, ले लीजिए। और फिर ग्रोसरी का आइटम में 1+1 कोटा स्टार्ट हो चुका है, आप ज़्यादा कोटा ले सकते हैं, अगले महीने का भी रिन्यूअल हट चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।